अपना किडनी हमको दान दे दे, जीवन दान कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। ये तस्वीरें बिहार के सारण जिले से सामने आई हैं, जहां भारी भीड़ और जिंदाबाद के नारों के साथ लालू की बेटी रोहिणी आचार्य को जनता का बेशुमार प्यार मिला। जहां तक नजर दौड़ाएं, वहीं तक आरजेडी समर्थकों समेत बिहार की जनता लालू की बेटी की एक झलक पाने के लिए बेकरार थी, उसे अपना आशीर्वाद देने को बेताब हो रही थी। लालू यादव को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अब सियासी डेब्यू करने जा रही है। आप बनी रहिएगा तो हम भी बने रहेंगे, हाँ स्वस्थ रहिए। पहली बार चुनाव प्रचार के लिए अपने पिता लालू की कर्मभूमि पर पहुंची रोहिणी आचार्य पर जिस तरह फूलों की बारिश हो रही थी और जनता का अपार समर्थन मिला, उसे देखकर लगता है कि रोहिणी यहाँ जरूर कुछ करिश्मा करके दिखाएंगी। दरअसल आज से ठीक एक महीने पहले यानी 3 मार्च को पटना में हुई जन विश्वास महारैली के मंच से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य की राजनीति में एंट्री करा दी थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी आचार्य ने बिहार आकर कोई सियासी मंच अपने परिवार के साथ साझा किया। उस दिन रोहिणी पहली बार गांधी मैदान के ऐतिहासिक मंच पर पहुंची और पिता के कहने पर उन्होंने समर्थकों का अभिवादन भी किया। उस वक्त मंच पर लालू परिवार के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। तब रोहिणी के लिए उनके पिता ने जो शब्द कहे, उससे साफ हो चुका था कि लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती के बाद अब रोहिणी आचार्य की भी राजनीति में एंट्री होने जा रही है। मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। हमारी बेटी यहाँ रोहिणी आचार्य बैठी है। अपना किडनी हमको दान दे दी, जीवन दान कर दिया और हम पूरा बीमार जरूर हैं, लेकिन बीमार हम समय पर नहीं हैं। इस तरह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर भूमिका बांधी जा चुकी थी। रोहिणी को लोकसभा चुनाव से पहले लालू के गढ़ में मोर्चा संभालने के लिए उनकी बेटी के लिए पटकथा भी लिखी जा चुकी थी। इंतजार था तो बस रोहिणी के सारण पहुंचने का, और जब वो सारण पहुंची तो जनता ने वैसा ही प्यार और सम्मान लुटाया जो कभी लालू यादव को दिया जाता था। वो बोली, ऐसा लग रहा है कि मैं मायके आ गई हूँ। इतना प्यार मिल रहा है जैसे कि मैं मायके आई हूँ अपने। तो सारण का ये प्यार, ये आशीर्वाद जैसे मेरे पिताजी को मिलता था, वैसे ही मैं बहुत खुश नसीब हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो मुझे भी सारण की जनता ने अपनाया। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लिहाजा लालू की बेटी रोहिणी भी चुनाव प्रचार में जुट गई है। मंगलवार को उन्होंने बिहार के सारण में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो प्यार मेरे माता पिता भाई को मिला है, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं ये कर्ज कभी चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरते दम तक सारण की जनता की सेवा करूंगी। इसके अलावा रोहिणी ने कहा, पिता लालू प्रसाद को मैंने किडनी दी है, सारण की जनता के लिए तो मेरी जान निछावर है। ये सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी अपनी बहन के लिए। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। इनका ऋण मैं चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मरने दम तक सारण की जनता, सारण की माता बहनों का सेवा करती रहूंगी। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है और मैं आजीवन इनकी सेवा करना चाहती हूँ। मंगलवार सुबह पटना से सारण रवाना होने से पहले रोहिणी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लेकर अपने भगवान का आशीर्वाद, चले हम अब जनता के द्वार। ट्वीट के साथ ही रोहिणी ने राबड़ी आवास के मंदिर में पूजा और लालू राबड़ी के पैर छूते हुए तस्वीर शेयर की और कहा, मैं जनता के बीच जा रही हूँ, मुझे अपने माता पिता और ससुराल वालों का आशीर्वाद मिला है, मैं वहां जाकर रोड शो करूंगी। इधर लालू की बेटी रोहिणी चुनाव प्रचार कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर एक बार फिर परिवारवाद को लेकर हमला बोला।
सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू का परिचय ही परिवारवाद है। लालू जी ने अपनी दो बेटी और दो बेटों को तो राजनीति में उतार ही दिया है, अब जो हमारी पांच बहनें बच गई हैं, उन्हें कब राजनीति में उतार रहे हैं। वहीं इस जुबानी हमले पर जब प्रचार के दौरान रोहिणी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जो बोलता है बोलने दो, हमें लालू की बेटी होने पर गर्व है। एक परिवारवाद का टैग बीजेपी लगाती है, क्या कहेंगे बीजेपी? लगाने दीजिए ना, हम तो बहुत प्राउड हैं कि हम लालू यादव की बेटी हैं, राबड़ी देवी की बेटी हैं। अब बाकी लोगों का तो कोई परिवार है ही नहीं, मुझे तो मालूम है। अपने पिता की तरह ही मुखर रोहिणी आचार्य से जब बीजेपी के 400 सीटें पार करने के दावे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तपाक से जवाब देते हुए कहा कि ये तो ऐसे दावे कर रहे हैं जैसे अभी से ईवीएम मशीन हैक कर दिए हैं। 400 पार का नारा दे रही है मोदी सरकार, पॉसिबल है? अब तो जनता ना डिसाइड करेगी, हम और वो लोग थोड़ी डिसाइड करने वाले, तो ऐसा बात करेगी जैसे पूरा ईवीएम अभी से हैक कर लिए हैं कि 400 पार हो जाएगा, तो जनता जनार्दन ना जिताएगी या हराएगी। अब आपको बिहार की धरती से राजनीति में डेब्यू करने जा रही रोहिणी आचार्य के बारे में कुछ बताते हैं। रोहिणी आचार्य पेशे से एक डॉक्टर हैं। साल 2022 में अपने पिता लालू यादव की तबीयत खराब होने पर रोहिणी ने ही उन्हें किडनी देकर नया जीवन दान दिया था। रोहिणी का जन्म स्थान पटना है और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भी पटना से ही पूरी की है, जिसके बाद रोहिणी ने जमशेदपुर के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। साल 2002 में उनकी शादी समरेश सिंह से हो गई थी, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और शादी के वक्त वो अमेरिका में जॉब किया करते थे। शादी के बाद रोहिणी कई सालों तक सिंगापुर में रही और वो चुनाव लड़ने के लिए बिहार लौट चुकी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सिंगापुर में डॉक्टरी छोड़कर आने वाली लालू की दूसरी बेटी राजनीति में क्या चमत्कार दिखा पाती है, क्या वो बिहार में डूब रही आरजेडी की नैया को पार लगा पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।